हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, निफ्टी का आज का फाइनल क्लोजिंग मिला है 22,356 पे। इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। सो लगभग कल का जो इसने क्लोज किया था, कल का अगर क्लोज देखा जाए तो उससे थोड़ा सा नीचे हमने क्लोजिंग किया है। कल का क्लोज था निफ्टी का 22,405 का क्लोज था, आज 355 का इसने क्लोज किया। लगभग उसी के आसपास क्लोजिंग मिल रहा है। एंड ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको हम सस्टेन कर रहे हैं। नीचे ये दिखा रहा है लेकिन नीचे आ नहीं पा रहा है, तो मुझे एक्सपेक्टेड वही रहेगा। अपसाइड का मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड है। ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चांसेस इसके यही रहेंगे। कल जो मेरा व्यू था सेम मेरा व्यू बुलिश का बुलिश, अभी भी बुलिश है, क्योंकि नीचे से तो सपोर्ट अच्छा खासा मार्केट बना रहा है। अपसाइड से रेजिस्टेंस तो फेस करते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आया लेकिन वापस सपोर्ट बनाया, वापस अपसाइड में जाने का ट्राई किया, लेकिन फिर से तो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। लेकिन अब का रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि ये वाला जो लास्ट कैंडल देखा जाए, डे का कैंडल, ये काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होल्ड करके रखा है। एंड हम अभी भी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही चल रहे हैं यहाँ पे। सो ब्रेकआउट फेल हुआ है ऐसा हम इसको बोल नहीं सकते जब तक यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल नहीं बन जाता। मान लो कल का कैंडल रेड बन गया तो मेरा व्यू रहेगा कि अभी ये सपोर्ट तोड़ने का चांसेस रखता है, फिर नहीं तो नहीं। तब तक ये, जब तक यहाँ पे अपसाइड में जब तक ये होल्ड कर रहा है ना, इसका चांसेस अपसाइड में रहेगा। हम लोगों को 22,400 का एक टारगेट है, उसके ऊपर 422 के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। 22,800 तक निफ्टी आने वाले टाइम में अगर 400 के ऊपर हम कंटिन्यूस सस्टेन करने लगे तो डीप तो बनना चालू रहता है ना। एक अच्छा खासा मूवमेंट किया, उसके बाद 3 दिन मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, आज का दिन भी होल्ड किया, लेकिन नीचे आ पा रहा है क्या? नहीं आ रहा है। निफ्टी भी नीचे आने का कोशिश किया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से निफ्टी ने कवर अप कर लिया एंड अपसाइड में जाके ही क्लोज किया। मतलब ओवरऑल बाय ऑन डीपी चल रहा है, मार्केट अपसाइड में ही है, बस लोगों को बियरिश कर रहा है क्योंकि अपसाइड का मूवमेंट उनको पकड़ में ना आए, इसलिए जस्ट वो व्यू चेंज करता रहा है। लोगों के माइंड में पी चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपसाइड में ही है। आप लोगों को जस्ट फोकस करना है इसी वाली कैंडल पे, तुरंत अपना व्यू मत चेंज करो इसी कैंडल पे। हाँ, इंट्राडे में हम लोगों को अगर बेयरिश प्राइस एक्शन दिखता है उसमें हम फिर उतना देख लेंगे, लेकिन लॉन्ग व्यू हमारा क्या चल रहा है इसको देख के कि कल भी बेयरिश रहेगा ऐसा नहीं सोचना है। अगर उतने टाइम के लिए अगर बेयरिश बनता है तो वो जस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बेयरिश प्राइस एक्शन बन रहा है तो वो 15 से 20 मिनट उसका काम करेगा। 15 से 20 मिनट के बाद वो वहां पे एंड हो जाएगा उसका, या 30 मिनट काम करेगा 5 मिनट अगर प्राइस एक्शन बेयरिश बनाए तो। लेकिन उसका ट्रेंड क्या है, उसका बुलिश है ना, तो वो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे बेस बना के अपसाइड में जाएगा। जैसे निफ्टी ने आज बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, नेकलाइन को रिटेस्ट करने नीचे आया, पिछले हाई के पास गया एंड देन बड़ा अच्छा मोमेंटम किया, तो लगभग उसका टारगेट क्या रखा था मैंने, 22,411 का टारगेट रखा था। एंड आज का हाई लगा देखते हैं निफ्टी का, तो 22,416 का उसने हाई लगाया एंड मैंने टारगेट दिया था 22,411 का, एंड वहां तक उसने मोमेंटम किया। ठीक है, सो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। तो जाना किस साइड में इसको मूवमेंट करते, क्लोज करते करते किस साइड मूवमेंट करना है, चांसेस तो इसको अपसाइड में ही मूवमेंट करने के रहेंगे। ओके, ये छोटी छोटी चीजें है, अभी भी बेयरिश मुझे यहाँ पे फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे डाउन साइड में। ठीक है, ये जो कैंडल का हाई है इसके जब तक ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है, 22,200 के जब तक ऊपर निफ्टी है तब तक ये पॉजिटिव है, इसको हम बेयरिश नहीं होंगे। आने हो सकता है यहाँ पे ये होल्ड करे, वापस तीन चार कैंडल होल्डिंग वाला बना दे एंड वापस एक ग्रीन कैंडल बना दे, ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे, ये पॉसिबिलिटी इसमें रह सकता है। चलो इस 15 मिनट को देखते हैं, 15 मिनट क्या बोलता है, 15 मिनट का चार्ट आज का क्या है। ओके, 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा लिया है, नीचे सपोर्ट है। ओके, नीचे सपोर्ट है, मैंने कल आपको सपोर्ट लेवल कहा बोला था 22,300 के आसपास, मैंने आप लोगों को सपोर्ट बोला है 22,300 एंड उसके भी नीचे आ गया है। 22,288 तक एक टारगेट दिया था, 22,266 तक एक टारगेट दिया था। पहले मार्केट क्या करेगा, क्या बताया था, पहले मार्केट नीचे दिखाएगा एंड उसके बाद वो कवर अप करके अपसाइड में ही मूवमेंट करेगा। 300 इसके लिए सपोर्ट था, उसके बाद ये 300 के नीचे दो छोटे से स्कैल्प के लिए टारगेट रखे गए थे 288 एंड 266, तो उसके बाद मार्केट ने वापस सपोर्ट बनाया थोड़ा सा गैप फिल करके। यहाँ से तो सीधा ऊपर जाने से बेहतर है कि थोड़ा नीचे आके लोगों को बियरिश करके अपसाइड में जाए, तो वो बात सही है। अगर यहाँ से कल वापस यहाँ जाके अगर रेजिस्टेंस बनाता है, कल वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता है तो वो बात अलग है, सेलिंग हो सकता है। नहीं तो फिर इस लेवल को निकालता है अच्छा खासा नीचे से सपोर्ट बना के, तो वो अपसाइड में ही मोमेंटम कर सकता है अच्छा खासा। अब कल के लिए इसके लिए सपोर्ट जो रहेगा ना निफ्टी के लिए, निफ्टी जो कल सपोर्ट बनाएगा वो सपोर्ट बना सकता है 22,370 के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है, बस इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। मान लो ऊपर नहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है,
तो कल चांसेस वेरी लेस रहेंगे, एक आध रेड कैंडल आ जाएगा। जैसे आज नीचे इतना अच्छा खासा आया, वैसे कल नहीं आएगा, वो एक आध रेड कैंडल दे देगा, यही पे सपोर्ट बना लेगा एंड उसके बाद वापस वो अपसाइड का ही टारगेट दिखा सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी का परसों एक्सपायर रहेगा थर्सडे के दिन। सो चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। निफ्टी का इतना क्लियर है, अभी पे हमारा व्यू क्या है, बुलिश ही रहेगा। थोड़ा सा डिप मिलता है तो उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लिए हमारे लिए रह सकता है। ओके सो 15 मिनट का प्राइस एक्शन जाते जाते क्लोज किया है, बुलिश ही प्राइस एक्शन क्लोज किया है। अपसाइड में ये जो लेवल है ना 440 का लेवल, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है। नीचे से टारगेट रखते भी तो 440 तक पहले रखेंगे एंड वही आसपास ओपन होता है तो उसके बाद एक डिप को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये बेसिस ये नहीं तोड़ेगा, इसके ऊपर बेस क्रिएट करेगा एंड देन वहां से अपसाइड के लिए हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक का चार्ट लगाते हैं। ओके, निफ्टी बैंक काफी अच्छा ग्रीन कैंडल होल्ड किया है, ये ब्रेकआउट लेवल को ये होल्ड कर रहा है, काफी अच्छा कैंडल इसने बनाया है। निफ्टी बैंक का वैसे देखा जाए तो जो टारगेट मैंने बोला था 47,800 का है, आज हम जो हाई लगाते हैं 47,337 का हाई, 337 का एक हाई लगाते हैं। थोड़े से ही पॉइंट के लिए इसने ये वाला टारगेट छोड़ दिया 800 का, लेकिन उसके लिए अपसाइड में ही जगह है 848,048, ये भी टारगेट मैंने कल डिस्कस किया था तो ये भी टारगेट इसके लिए ओपन है। निफ्टी बैंक के लिए जितनी जगह है ना अपसाइड में पॉसिबिलिटी है, डाउनसाइड में फिलहाल कुछ इसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जितना मूवमेंट है अपसाइड के लिए ठीक रहेगा 47,000, क्योंकि डाउनसाइड में नहीं दिख रहा है ना एक भी कैंडल। ये रेड बना, उसके बाद का कैंडल देखो वापस ग्रीन बना, वापस ये ग्रीन बना। ये बड़ा जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है ना इसको हम होल्ड करके रख रहे हैं, तो जब तक इसको होल्ड करके रखेंगे तब तक इसको डाउनसाइड में सोचा नहीं जा सकता। ठीक है, तब तक ये अपसाइड में है एंड इसको अपसाइड में ही हम लोग सोचेंगे एंड अपसाइड का ही टारगेट इसके लिए ओपन है। जैसे वीक का एनालिसिस करते टाइम मैंने बताया था कि पहले के जो 2-3 दिन रहेगा ना वो नीचे दिखा सकता है, एक कैंडल वीक का कैंडल वीक छोड़ेगा एंड उसके बाद वो वापस अपसाइड में मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। सेम वैसा वो कर रहा है एंड कल एक्सपायरी है तो शायद कल एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड में कर दे, बस गैप अप बड़ा नहीं ओपन होना चाहिए। दिक्कत कहाँ होगी, अगर ये बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो वहां पे क्या होगा, गैप अप ओपन होकर मोमेंटम को वो खत्म कर देता है, तो बड़ा गैप अप नहीं चाहिए। एक छोटा सा फ्लैट ओपनिंग हो जाए या छोटा सा गैप अप ओपन हो जाए तो भी चलेगा एंड उसके बाद वो नीचे आने की कोशिश करेगा, सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा एंड देन अपसाइड में मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी नहीं करेंगे एंड आप कुछ लोगों को समझ नहीं आता है क्या, कुछ लोग क्या बोलते हैं, आज भी एक भैया जी ने बोला था कि आप पहले बुलिश आपका व्यू था फिर अभी बेयरिश कैसे हो गया, आप बेयरिश कैसे बोल रहे हो। अरे भाई इंट्राडे हम लोग करते हैं, इंट्राडे में मार्केट अगर पहले अगर हम लोगों को निफ्टी ने में नहीं निफ्टी बैंक में नहीं निफ्टी में निफ्टी बैंक में तो बुलिश बट साइडवेज था, लेकिन निफ्टी में तुरंत अभी 5 मिनट में बियरिश प्राइस एक्शन अगर बना रहा है, ओवरऑल ट्रेंड तो अपना अपसाइड में है, मतलब बियरिश का काम खत्म करके वो वापस सपोर्ट बना के वापस वो अपसाइड में मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर फिलहाल हम लोगों को डाउनसाइड में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, नीचे आ सकता है, तो उसको भी क्यों छोड़ना है, उसको भी तो देखा जा सकता है सपोर्ट के आसपास तक, वही मैंने वो किया था। ठीक है, एंड निफ्टी बैंक जो था कंटिन्यूस बुलिश बट साइडवाइज कंटिन्यू ट्रेंड उसका चल रहा था, बुलिश बट साइडवाइज ट्रेंड था एंड उसके बाद एक अच्छा सा कैंडल 15 मिनट का आ गया एंड उसके बाद ट्रेंड उसके खत्म किया। 5 मिनट में भी एग्जैक्ट चीजें बताई थी। अभी जो इसने क्लोजिंग किया है 47,582 इसमें, इस रेंज में इसने क्लोजिंग किया है। सो ये रेंज भी अच्छा खासा रेंज है, इसमें कुछ मुझे डाउन साइड में दिख नहीं रहा है। नीचे से देखा जाए तो अच्छे सपोर्ट क्रिएशन काम हो रहे हैं, बस एक चीज करना है इसको बड़ा गैप अप ओपन नहीं होना है, फ्लैट ओपन होना चाहिए। वैसे अदर मार्केट तो निगेटिव थे, स्टिल अपना मार्केट कैसे पॉजिटिव रहा, क्योंकि जो इसका प्राइस एक्शन चल रहा है वो उसी को फॉलो कर रहा है। अभी इसके पास 48,000 बड़ा टारगेट तो अपसाइड में 48,400 का है, उसकी बात नहीं है, लेकिन ये वो टारगेट अचीव करने भी जा सकता है। एक आध दिन बहुत अच्छा रैली करके ये 1,000 पॉइंट भी मूवमेंट कर देता है, उसका कुछ इशू नहीं है। लेकिन अभी जो क्लोज किया ना वो भी अच्छा खासा बुलिश ही क्लोज किया है। थोड़ा सा डीप अगर हम लोगों को बनता है तो उस डीप में हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आज भी डीप बना लेकिन उसके बाद वो अपसाइड में ही गया। बुलिश बट साइडवाइज ट्रेंड का रिजल्ट हमेशा याद रखो अपसाइड में ही निकलता है अगर मूव किया तो, नहीं तो साइडवाइज होके क्लोज कर देता है। बियरिश बट साइडवाइज का रिजल्ट हमेशा निकलता है डाउन साइड में या फिर वही पे वही के वही वो क्लोज कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बियरिश बट साइडवाइज ट्रेंड बनाया है मार्केट धड़धड़ करके अपसाइड में भाग गया, ऐसा चीजें नहीं होता है। ओके सो हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग चाहिए एंड फ्लैट ओपनिंग के बाद भी थोड़ा सा नीचे आता है तो चलेगा हम लोगों को। बुलिश मार्केट में ज्यादातर यही होता है कि पहले मार्केट नीचे मूवमेंट करता है एंड उसके बाद वो अपसाइड में जाता है। ओके सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।